इंडियन प्रीमियर लीग 2023 समाप्त हो चुका है। चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को हराकर आईपीएल हिस्ट्री का अपना पांचवा टाइटल अपने नाम कर लिया है। काफी थ्रिलर मुकाबला रहा, रेन इंटरप्शन जरूर था पर ओवरऑल मैच फिनिश भी हुआ और काफी अच्छे से माही की सेना ने मुकाबला अपने नाम भी कर लिया। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सारी टीमों के कैप्टन का रिव्यू। ओवरऑल हर एक कैप्टन के बारे में बात करेंगे, दसों आईपीएल टीम की कैसा रहा है सफर सब आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर बॉटम लाइनअप से शुरुआत करेंगे। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान डेविड वार्नर, कमान इनको संभालने के लिए दी गई थी क्योंकि रेगुलर कैप्टन ऋषभ पंत एक्सीडेंट का शिकार हुए थे, उसके बाद रूल आउट हो गए आईपीएल 2023 से। इनके नाम अभी तक अगर देखा जाए सनराइजर्स हैदराबाद को लीड किया है, लीडरशिप एबिलिटी बहुत अच्छे से संभालते हैं। 2016 का आईपीएल टाइटल भी इन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद को जिताया था, बैटिंग काफी शानदार रही थी। इस सीजन भी इनसे बैटिंग अच्छी देखने को मिली लेकिन अपने नाम के अनुरूप प्रदर्शन किया क्योंकि स्ट्राइक रेट काफी ज्यादा कम था। इसके अलावा अगर आप कॉम्बिनेशन की बात करें टीम में फिल सॉल्ट, राइली रूसो जैसे बड़े खिलाड़ी शामिल थे पर प्लेइंग 11 में तब्दीलियां, लगातार चेंजेस डीसी को भारी पड़ गए और कहीं ना कहीं कैप्टेंसी लैप्सेस देखने को मिले और यही रीजन है कि 10 में से हमने इनको दी है 4.5 की रेटिंग। बात करेंगे जो दूसरी टीम है यहाँ पर जो बॉटम लाइनअप में आपको देखने को मिली सनराइजर्स हैदराबाद, हमने रेटिंग इनको दी है 10 में से 4। रीजन टीम में काफी बड़े बड़े नाम थे, हेंड्रिक क्लासेन, हैरी ब्रूक को शामिल किया गया था 14 करोड़ के बड़े अमाउंट पर। इसके अलावा टीम में राहुल त्रिपाठी, अभिषेक शर्मा, अब्दुल समद, खुद ईडन मार्करम टीम की लीडरशिप संभाल रहे थे। इनको लीडरशिप इसलिए दी गई थी क्योंकि इनका SA20 टूर्नामेंट काफी शानदार गया था, सनराइजर्स ईस्टर्न केप को इन्होंने टाइटल जितवाया था, यही रीजन था, एक नया कप्तान चाहिए था और नई नवेली टीम के साथ उतरी थी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। कैप्टेंसी में कई सारे लैप्सेस देखने को मिले, प्लेइंग कॉम्बिनेशन काफी अच्छा नहीं रहा थ्रू आउट द सीजन। इन्होंने जो मैचेस गवाए हैं वो बाकी टीमों के अकॉर्डिंग अगर थोड़ा कंपेयर किया जाए तो काफी एक तरफा मुकाबले इन्होंने गवाए हैं और यही रीजन है कि हमने इनको 4 रेटिंग दी है 10 में से। ओवरऑल अगर हेनरिक क्लासेन और भुवनेश्वर कुमार नहीं होते तो सनराइजर्स हैदराबाद कहीं टिक नहीं रही थी, ईडन मार्करम की कैप्टेंसी काफी ज्यादा फ्लॉप रही है। बात करेंगे नीतीश राणा की, नीतीश राणा ऐसा कैप्टन टीम को लीड करने में तो सफल रहे पर प्लेइंग कॉम्बिनेशन ऊपर नीचे करे, हर मैच में ऑलमोस्ट हर मैच में नया खिलाड़ी देखने को मिला, कभी नारायण जगदीशन खेलते थे, कभी रिंकू सिंह की पोजीशन सॉर्ट करने के अलावा इनके पास ऑप्शन इतने सारे थे कि जेसन रॉय को भी खिलाया, कभी गुरबाज को प्लेइंग 11 में लाए तो सॉर्टेड नहीं थी और यही रीजन था कि टीम आगे नहीं जा पाई ज्यादा। अगर पूरे सफर की बात करी जाए आईपीएल 2023 में हमने इनको रेटिंग दी है 5.5। रीजन ये कि कैप्टेंसी इनकी काफी शानदार रही है लेकिन लगातार मैचेस में तब्दीलियां करना भारी पड़ गया केकेआर को। अब बात करेंगे बाकी टीमों का, सबसे पहले बात करेंगे शिखर धवन का, हमारी टीम के पंजाब किंग्स के लिए इनिशियल मैचेस बहुत शानदार रहे थे, इन्होंने 5-6 मुकाबलों में 300 रन जड़ दिए थे और एक समय पर ऑरेंज कैप होल्डर थे पर इनको हो गई शोल्डर इंजरी से जब वापस आए तो बिल्कुल टच में नहीं दिखे, अगले 5 मैचेस मात्र 30 रन बना पाए थे। कैप्टेंसी ओवरऑल इनिशियल मैचेस में काफी शानदार रही है, हमने इनको 10 में से 6 रेटिंग दी है क्योंकि लाइनअप सॉर्टेड था, बैटिंग लैप्सेस देखने को मिले, जिन खिलाड़ियों को पहले शामिल करना चाहिए था प्लेइंग 11 में उनको बहुत लेट शामिल किया और यही एक कमी रह गई जिसकी वजह से पंजाब किंग्स टॉप 4 टॉप 5 में भी जगह नहीं बना सकी। तो यहाँ पर कैप्टेंसी में ज्यादा फॉल्ट नहीं थे लेकिन 10 में से 6 रेटिंग हमने दी है। इसके अलावा जब एब्सेंट इनकी दिखी थी तो कमान संभाली थी सैम करे ने, उनकी कैप्टेंसी काफी अच्छी थी लेकिन सिंस रेगुलर कैप्टन नहीं थे तो रेटिंग इनको ही जानी चाहिए। यहाँ पर बात करेंगे संजू सैमसन की, इस साल का सीजन सैमसन का बिल्कुल अच्छा नहीं रहा है, विद द बैट ही वाज अनेबल टू स्कोर रन्स, बहुत स्ट्रगल कर रहे थे और कैप्टेंसी में आप टॉप ऑर्डर में कभी भेज रहे हो रविचंद्रन अश्विन को, कभी आप जॉस बटलर को नीचे कर रहे हो, देवदत्त पाटीकर की पोजीशन शॉर्ट नहीं है और सबसे बड़ी जो गलती करी है टीम ने वो है रियान पराग को रेगुलरली इंक्लूड करना प्लेइंग 11 में, एज एन इंपैक्ट प्लेयर लाना, मतलब आपने बहुत सारे लैप्सेस करे और इसीलिए आपने 6 रेटिंग अंक दिए हैं। पिछले साल इनका जैसा प्रदर्शन रहा था ये रहे थे टॉप 2 पोजीशन में, रनर अप रहे थे आईपीएल 2022 के लेकिन इस साल काफी फ्लॉप रहा इनका सीजन और यही रीजन रहा कि टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई प्लेऑफ्स के लिए। 10 में से 6 रेटिंग अंक हमें लग रहा है ये भी ज्यादा है लेकिन 6 बचते हैं।
हैं, यहाँ टीम ने परफॉर्मेंस अच्छी दी है। यहाँ पर बात करेंगे फार डुप्लेसी की, डुप्लेसी की बैटिंग काफी शानदार रही, एक समय पर डोमिनेट कर रहे थे बैटिंग लाइनअप को, जब तक यहाँ पर शुभमन गिल ने 100 नहीं लगाए थे लगातार 3-4 मुकाबलों में, तब तक ऑरेंज कैप होल्डर थे। ओवरऑल बैटिंग सॉर्टेड रही, लेकिन मिडिल ऑर्डर और बॉलिंग लैप्सेस देखने को मिले, स्ट्रगल करती दिखी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की बॉलिंग लाइनअप थ्रू आउट द सीजन। इसीलिए हमने इनको दिए 10-7 अंक, क्योंकि इनकी बैटिंग एक तरफा अंदाज में खेले, लीड करने के हिसाब से काफी अच्छे रेटिंग अंक है। बात करेंगे टॉप 3 टीम्स की, उससे पहले आएगा नंबर यहाँ पर केएल राहुल की टीम का, कृणाल पंड्या की टीम का, लखनऊ सुपर जायंट्स का। हमने इनको रेटिंग अंक दिए हैं 10 में से 7.5 दोनों को ही। रीजन ये है, इनिशियल कुछ मैचेस में केएल राहुल कैप्टेंसी करते दिखे थे, फिर इनको फील्डिंग के दौरान हो गई शोल्डर इंजरी, एलएसजी वर्सेस आरसीबी का मुकाबला, तो उसके बाद खेलते नहीं निकले, वहां से कमान संभाली कृणाल पंड्या ने। कृणाल पंड्या के पास इतना कैप्टेंसी एक्सपीरियंस नहीं है, जिसके बावजूद अपनी टीम को प्लेऑफ में क्वालिफाई कराया, एलिमिनेटर हारी जरूर, पर ओवरऑल प्लेइंग कॉम्बिनेशन इनका अच्छा था। जो लैक ऑफ एक्सपीरियंस था, सिर्फ एक रीजन वही था कि कृणाल पंड्या अग्रेस नहीं कर पाए, आगे नहीं ला पाए, लेकिन विद द बैट विद द बॉल ही हैड समथिंग टू शो, प्रूव करने के लिए बहुत कुछ था और प्रूव किया भी है। यहाँ पर केएल राहुल की बात की जाए, इनिशियल मैचेस में इनके बल्ले से देखिए रन तो निकले, लेकिन स्ट्राइक रेट बहुत स्लो था, मतलब T20s में टेस्ट के माफिक बैटिंग कौन करता है यार। तो यही रीजन है 7.5 टीम रेटिंग, टीम को साथ लेके चले हैं, कॉम्बिनेशन अच्छे से बिठाया है, यही रीजन है 7.5 कैप्टेंसी रेटिंग हमने इनको दी। अब बात करेंगे तीसरे नंबर पर जो टीम रही, रोहित शर्मा की टीम, एज अ कैप्टन काफी शानदार इनका सफर रहा, यही रीजन है कि भाई 5 बार आईपीएल ट्रॉफी जीती है, कैप्टेंसी बहुत शानदार रही, प्लेइंग कॉम्बिनेशन काफी शानदार रहे, जहां एक तरफ जसप्रीत बुमराह इस सीजन नहीं खेल रहे थे, जोफ्रा आर्चर हो गए इंजर्ड, बॉलिंग लाइनअप पे बहुत सारी कमियां देखने को मिल रही थी, वहां पर इन्होंने डेब्यू करा लिया आकाश मधवाल को, और मधवाल ने 3 मैचेस में 11 विकेट चटक ली, उसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं भारतीय टीम की कमान इनको फॉर अ रीजन दी गई है, हिटमैन कहे जाते हैं, विद द बैट सीजन इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन एज अ कैप्टन टीम को लीड बहुत अच्छे से किया है, इसीलिए हमने इनको 10 में से 8 रेटिंग अंक दी है। अब बात करेंगे रनर अप की, इस सीजन के रनर अप रहे हैं पिछले सीजन के टाइटल विनर हार्दिक पांड्या की टीम गुजरात टाइटंस, टैक्टिकल माइंड काफी अच्छा लगा, काम माइंडसेट से खेल रहे थे और कैप्टेंसी बहुत शानदार रही है। रीजन है हमने इनको 9.5 रेटिंग अंक दिए हैं, क्योंकि थ्रू आउट द सीजन बहुत कम इनसे प्लेइंग 11 चेंजेस देखने को मिले, इन्होंने खिलाड़ियों को बैक किया और खिलाड़ियों ने उनको सपोर्ट दिया, यही जीटी की पूरी डगर रही कि टॉप पे क्वालिफाई किया था पॉइंट टेबल में भी, एक समय जो फाइनल भी था थ्रिलर चल रहा था, मोहित शर्मा के हाथ में बॉल थी और मोहित शर्मा जैसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी को आप वरीयता दे रहे हो बाकी सारे गेंदबाजों के आगे, यही बहुत ज्यादा मायने रखता है, और इनकी प्लेइंग 11 कॉम्बिनेशन बहुत सॉर्टेड थी, लगातार दूसरा सीजन खेल रहे थे और दूसरे सीजन में फाइनल में क्वालिफाई कर लिया, इससे बड़ी बात एज अ कैप्टन और क्या हो सकती है। 9.5 रेटिंग अंक बहुत ज्यादा जस्टिफाई करते हैं 10 में से हार्दिक पांड्या को। अब बात करेंगे फाइनलिस्ट हमारी इधर, महेंद्र सिंह धोनी किसी नाम के मोहताज नहीं है, इमोशनल कनेक्ट बनाया अपना थ्रू आउट द सीजन, येलो रहा पूरी जर्सी, हर जगह जा रहे थे वहां पर माही माही के चांस नजर आ रहे थे, एज अ कैप्टन इन्होंने अपनी टीम को लीड बहुत अच्छे से किया, प्लेइंग कॉम्बिनेशन में माही कभी भी इतने सारा चेंजेस नहीं करते हैं और इस सीजन भी ऐसा ही देखने को मिला, अंबाती रायडू को बैक किया, अंबाती रायडू ने अपना आखिरी सीजन भी खेला और रायडू ने इनको दिया गिफ्ट, रिटर्न गिफ्ट, फाइनल में आके एक शानदार क्रंच सिचुएशन में इनिंग खेल गए और टाइटल कहीं ना कहीं जिताने में माही का जितना रोल है उतना अंबाती रायडू, रविंद्र जडेजा, डीमन कॉनवे, ऋतुराज गायकवाड़ का रोल है, बॉलिंग लाइनअप में तुषार देशपांडे को बैक करना, टीम की तरफ से लीडिंग विकेट टेकर रहे तुषार देशपांडे, आकाश शर्मा, मतीसा पथिराना को बैक करना, एक सॉलिड लाइनअप दे गया यहां पर टीम को और वहां जहां अगुवाई करी महेंद्र सिंह धोनी ने, यही रीजन है 10 में से 9 रेटिंग अंक दिए हैं, कहीं ना कहीं बॉलिंग में थोड़ी सी कमी रह गई जिसकी वजह से 9 है, अदरवाइज काफी शानदार रही पूरी लाइनअप, पूरा टूर्नामेंट खत्म हो चुका है। तो इसी के साथ कैप्टेंसी रेटिंग आपको कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन जरूर दीजिएगा, कितना सेटिस्फाइड है हमारी रेटिंग पॉइंट से, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर फॉलो जरूर कर दीजिएगा और खेल क्रिकेट के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सब्सक्राइब फॉलो करना मत भूलिएगा।